हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स देखो में। दोस्तों 18 फरवरी को आईपीएल नीलामी साल 2021 की गई और इसमें एक रिकॉर्ड भी टूट गया। कुछ टीमों ने विदेशी तेज गेंदबाजों पर पैसे खर्च किए तो जबकि कुछ ने अनकैप्ड खिलाड़ियों पर खर्च किए। वर्षों से हमने देखा है कि कई मिनी ऑक्शन नीलामियों में सबसे महंगे खिलाड़ी कम देखने को मिलते हैं। हालांकि कुछ फ्रेंचाइजियों के पास पैसे बहुत थे और खिलाड़ियों की आवश्यकताएं कम थी, इसलिए वो एक दो खिलाड़ियों पर ज्यादा पैसे खर्च कर सकती थी। इनमें से अधिकांश फ्रेंचाइजियों ने कुछ खिलाड़ियों पर काफी पैसा खर्च किया और उनमें से अधिकांश मिनी ऑक्शन नीलामी में खरीदे गए हैं। यहां तक कि साल 2021 की भी मिनी नीलामी में आईपीएल खिलाड़ियों पर काफी जमकर पैसों की बारिश हुई और इस साल युवराज सिंह का रिकॉर्ड भी टूटा और क्रिस मॉरिस को काफी मोटी रकम में खरीदा गया राजस्थान रॉयल्स की टीम के द्वारा। दोस्तों इसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 8 टीमों की सबसे महंगे खिलाड़ियों की बात करने वाले हैं जिन्हें आईपीएल ऑक्शन के दौरान खरीदा गया था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा की। दोस्तों मुंबई इंडियंस ने साल 2011 में कप्तान रोहित शर्मा के साथ अपनी जर्नी शुरू की थी, जब रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस की टीम ने मेगा नीलामी के दौरान $2 मिलियन में खरीदा था, जो कि उस वक्त 9.2 करोड़ रुपए की मोटी रकम थी। यह अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी मुंबई इंडियंस की टीम के द्वारा खरीदे गए थे। दोस्तों अब चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के इतिहास में अपनी सबसे महंगी खरीदारी उन्होंने इसी नीलामी में करी है और उस खिलाड़ी का नाम है कृष्णप्पा गौतम। दोस्तों कृष्णप्पा गौतम को उन्होंने 9.25 करोड़ की मोटी रकम में खरीदा और वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी जो कि अनकैप्ड खिलाड़ियों में शुमार हो गए। अब बात करते हैं नंबर 3 पर, सनराइजर्स हैदराबाद ने मनीष पांडे को 11 करोड़ रुपए में खरीदा। सनराइजर्स हैदराबाद को साल 2018 में मेगा नीलामी में कुछ भारतीय मध्यमक्रम बल्लेबाजों की जरूरत पड़ी और इसलिए उन्होंने मनीष पांडे पर काफी बड़ा पैसा खर्च कर दिया और उन्होंने मनीष पांडे को 11 करोड़ की मोटी रकम में खरीदा और जिसके बाद यह खिलाड़ी सनराइजर हैदराबाद की सबसे महंगी खिलाड़ियों की सूची में नंबर 1 पर आ गया। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स की। दोस्तों जाय रिचर्डसन को इन्होंने साल 2021 की नीलामी में 14 करोड़ में खरीदा। पंजाब किंग्स के पास मिनी नीलामी में 50 से अधिक करोड़ रुपए की धनराशि साल 2021 में थी, जिसमें उन्होंने तेज गेंदबाज की काफी जरूरत थी और उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जाय रिचर्डसन को 14 करोड़ की मोटी धनराशि में अपनी टीम में शामिल किया और यह पंजाब किंग्स के सबसे महंगे इतिहास के आईपीएल खिलाड़ी दर्ज हो गए। अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। काइल जेमिसन को 15 करोड़ में इन्होंने साल 2021 में खरीदा है। एक और विदेशी तेज गेंदबाज जिसने आईपीएल के साल 2021 में 15 करोड़ में काफी मोटी रकम में अपने आप को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा बनवाया। आईपीएल नीलामी में आरसीबी ने कीवी के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन को काफी ज्यादा मोटी रकम में खरीदा, जिसे देखने के बाद काफी लोग हैरान भी हो गए और आरसीबी ने इसी नीलामी में ग्लेन मैक्सवेल पर भी 14.25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और आईपीएल इतिहास में अपने दो सबसे महंगे खिलाड़ी खरीदे। अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पैट कमिंस को 15.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। लास्ट नीलामी मतलब कि साल 2020 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स को एक विदेशी तेज गेंदबाज की जरूरत थी और उन्होंने नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज पैट कमिंस को 15.5 करोड़ रुपए की मोटी धनराशि में अपनी टीम में शामिल किया और दोस्तों यह खिलाड़ी आईपीएल इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के सबसे महंगे खिलाड़ियों में शुमार हो गया। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स ने युवराज सिंह को 16 करोड़ रुपए में सबसे महंगा अपनी टीम का खिलाड़ी बनाया है। युवराज सिंह को साल 2014 में आईपीएल नीलामी में 14 करोड़ की डील मिली थी, लेकिन 2015 की नीलामी में वापस से वे आए और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उन्हें रिलीज कर दिया था, जिसके बाद उनकी नीलामी के दौरान दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 16 करोड़ की मोटी धनराशि में साइन किया और यह दिल्ली कैपिटल्स के सबसे महंगे आज तक के खिलाड़ी खरीदे गए हैं। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। तो राजस्थान रॉयल्स ने 2021 में ही क्रिस मॉरिस को 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा और राजस्थान रॉयल्स ने इस खिलाड़ी को खरीदने के बाद युवराज सिंह का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और दोस्तों आरआर ने इस दक्षिण अफ्रीकाई ऑलराउंडर को अपनी टीम में 16.25 करोड़ रुपए की खरीदारी में शामिल कर लिया और क्रिस मॉरिस के पिछले सीजन में भी उन्हें 10 करोड़ में खरीदा गया था। और दोस्तों ये काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले सीजन में क्रिस मॉरिस का प्रदर्शन 16.25 करोड़ लायक रहता है या फिर नहीं, यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। चलिए दोस्तों ये रहे 8 टीम के सबसे महंगे इतिहास के खिलाड़ी
रहेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी IPL फैंस के साथ। साथ ही हमारे चैनल पर विजिट करके ऐसी और भी IPL अमेजिंग क्रिकेट अमेजिंग वीडियोस आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।